धार्मिक नगरी पुष्कर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले मरुधरा की शान रेतीले धोरे धीरे धीरे पुष्कर के भौगोलिक नक्शे से गायब होते जा रहे हैं, जिससे राज्य पशु और देशी विदेशी मेहमानों को आकर्षित करने वाले ऊंट को बैठने की जगह नहीं मिल रही है। इसको लेकर रायका समाज ने तो सरकार को चेतावनी दी है, साथ साथ विदेशी पर्यटकों को भी अब चिंता सताने लगी है। पिछले 28 सालों से लगातार पुष्कर आने वाले जानवरों की डॉक्टर जर्मनी मूल की एलेक्सा ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए बताया, जहां रेतीले धोरे थे वहां अब पक्के निर्माण होने लगे हैं, जिससे मेले में आने वाले ऊँटों को बैठने की जगह तक नहीं मिल रही। विदेशी डॉक्टर ने आह्वान किया कि अभी भी समय है, मरुधरा की शान को बचा लें। डॉक्टर ने बताया कि ऊँट के दूध से कई तरह की बीमारियां भी ठीक होती हैं। मेरा नाम डॉक्टर इल्से कोहलर रोलसन है, मैं जर्मनी से हूँ, मैं वेटरिनरी डॉक्टर हूँ और मैं 28 सालों से यहाँ पे काम करती हूँ ऊँटों के लिए और ऊँट पालकों के लिए। ऊँट राजी पशु है, फिर उसका आबादी खत्म होने वाला है राजस्थान में, क्योंकि ऊँट पालकों बिल्कुल कोई कमाई नहीं मिल सकते। अगर हम ऊँट बचना चाहते तो ऊँट पालकों को उनको पूरा सपोर्ट देना है, लेकिन मैं देख रही है पुष्कर मेला में उनको बिल्कुल कोई उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे एक हेलीपैड बनाया है, एक दीवार बनाया, एक रास्ता बनाया, तो ऊंट और ऊंट पालकों के लिए अच्छा जगह नहीं है आजकल। और ऊंट का दूध दुनिया में रिकॉग्नाइज है एज अ सुपर फूड, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, अमूल्य चीज है। और अगर अपने ऊंट का आबादी खत्म हो रही है तो उनका दूध नहीं मिल सकते, तो ये एक नेशनल इश्यू है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज सपोर्ट द कैमल ब्रीडर्स ऑफ राजस्थान, विदाउट द कैमल ब्रीडर्स वी कैन नॉट सेव द कैमल। वही ऊंट पालन व्यवसाय से जुड़े प्रदेश के सैकड़ों रायका समाज के लोगों ने भी धर्मगुरु राम रघुनाथ दास जी महाराज के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी दी कि राजस्थान की संस्कृति को बचाने के लिए ऊंटों और धोरों को बचाना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो एक दिन ऐसा आएगा जब मरुधरा की शान कहे जाने वाला राज्य पशु ऊंट पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा। रायका समाज से मांग की है कि अगले मेले से पहले धोरों को ऊंटों के लिए आरक्षित किया जाए। धोरों में सरकारी या निजी किसी भी पक्ष की ओर से कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। हम मांग रखते हैं कि आने वाला जो मेला है उसमें ये जो आज हम बैठे हैं और ये ऊंटों के लिए आरक्षित होना चाहिए, सरकार से हमारे ऊंटों के लिए ही ये लड़े होने चाहिए। इसमें न की कोई पार्टी कब्जा करे, न की सरकार कब्जा करे, न की मतलब जो है इसी में कोई निर्माण कार्य हो, न कि इसी में किसी तरह का जो है आगमन हो। केवल सरकार जो हमारी मांग है केंद्र सरकार से, राजस्थान सरकार से, कि ये जो जगह है हमारे को मेहरबानी करके और आरक्षित करें और इसमें जो है व्यवस्था करें कि आने वाले समय जो इसमें जो है रेतीली मिट्टी बिछा करके और ये जो जगह है ये सुरक्षित रहनी चाहिए। यदि सरकार आपकी बातें नहीं मानती तो अगले मेले में आपका क्या कदम रहेगा? हमारी जो सरकार से निवेदन करेंगे, इसके उपरांत सरकार नहीं मानती है तो हम आने वाला समय में कोर्ट में जाएंगे और केंद्र सरकार से इसका विरोध करेंगे और जगह जगह तहसील वाइज, जिला वाइज और प्रांत वाइज हम इसका विरोध करेंगे और जागरण करेंगे और अभियान चलाएंगे। मेले को लेकर क्या रुख रहेगा अगली बार, मांगे नहीं मानते तो? रूपरेखा तो यही है, मांगे नहीं मानेंगे तो मतलब जो हम इस चीज का विरोध करेंगे। ऊंटों को 2 महीना पहले सरकार को नोटिस देंगे कि हमारी व्यवस्था हम जैसे चाहते हैं वैसे करें और नहीं करेगी तो हमारा ऊंट जो है यहाँ से रवानगी कर देंगे, मेले के बीच में बखेड़ा करेंगे और इस चीज का हम विरोध करेंगे। गवर्नमेंट ने पास किया ऊंट का कि मैं 3,000 की किस्त करके दूंगा 18 महीने के अंदर। वो 18 महीने के अंदर उनको पैसे वो मिला ही नहीं ऊंट वाले को, और 2.5 साल हो गए यार, कोई के तो पैसे आ गए यार, कोई का आया नहीं, उसका पता ही नहीं। तो वो ने सरकार ने क्यों किया पास ये, और ये पास किया तो उसको मिलना चाहिए, ये पैसे आज तक मिला नहीं है। गौरतलब है कि हाल ही में मेला क्षेत्र में तेजी से हुए पक्के निर्माण से ऊँटों को बैठने की जगह नसीब नहीं रही। रायका समाज ने कहा कि यदि सरकार ने इस दिशा में कदम नहीं उठाया तो समाज ऊँटों के साथ बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगा। आइए देखते हैं पुष्कर से रमेश कुमावत की स्पेशल रिपोर्ट।
तो मेरे ख्याल से वो सनराइज और सनसेट के टाइम पे बहुत अच्छा रहेगा, और इस टाइम पे बहुत धूप लग रही है और We wanted to visit Rajasthan and we wanted to see real life, not life for tourists. So we wanted to see villagers and to go to the countryside, not stay only in big towns. Okay, what's your experience about Pushkar and India and where you We cannot imagine what it is like before we see it. So we all love it very much. स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।